जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। केंद्र सरकार ने जैसे ही उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया, बिहार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर आम आदमी, हर कोई केंद्र सरकार की इस घोषणा पर खुशी जता रहा है। ऐसे में लोग कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानने को भी इच्छुक हो गए, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसे शख्स को बुलाएं जो कर्पूरी ठाकुर से जुड़े कुछ अनसुने किस्से भी आपको सुनाएं। रामनाथ ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जननायक और आपके पिता श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलने की घोषणा अब 36 घंटे से ज़्यादा हो गई है। हालांकि ये सवाल कई पत्रकारों ने आपसे पूछा होगा, लेकिन फिर भी मैं आप अपने दर्शकों के लिए आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या बाबूजी के संघर्षों को अब सच में न्याय मिला है? बहुत बहुत खुशी है। 36 वर्षों, मेरी 36 वर्षों के मांग के बाद ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत सरकार ने जो यह निर्णय लिया, यह सुनकर के बहुत खुशी हुई। सिर्फ सुनकर के नहीं है, जो अखबारों में मैंने देखा और टेलीविजनों पर जो मैंने सुना, उससे लगता है कि भारत सरकार ने उनको भारत रत्न देने की घोषणा कर दिया है। इसलिए हम, मेरे जैसे और मेरे परिवार के में जितने लोग हैं, गांव के हैं, ग्रामवासियों के हैं, पूरे बिहार के लोग खुशी से झूम उठे हैं। जी, पीएम नरेंद्र मोदी का भी आपके पास फोन आया था, क्या बातचीत हुई? बातचीत हुई कि 26 जनवरी के बाद मेरे यहाँ परिवार के साथ आइए और मैं मिलना चाहता हूँ, परिवार के साथ है। तो मैंने उनको पहले बधाई दी कि ताकता ज्ञापित किया, और हमने कहा कि 26 जनवरी के बाद जब आप खबर करेंगे किस तारीख को आऊं, तो मैं निश्चित रूप से परिवार के साथ उनसे मिलने का काम करूंगा। जी, मैं बिहार से हूँ और हमने बचपन से ही कर्पूरी ठाकुर के संघर्षों के कई किस्से सुनते हुए बड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, जो सपना कर्पूरी जी लेकर चले थे, वो कहाँ तक पहुंचा? वो जिस समय, आप सोच नहीं सकती हैं कि जिस समय वो संघर्ष कर रहे थे, 1967 में मैट्रिक अंग्रेजी के बिना पास किए हुए पास करने की घोषणा की थी, और लाफ कर जोतों पर 5 एकड़ के जमीन का मुआवजा माफ किया था, और घाट खेवा माफ करने का काम किया था, और जुल्मों अत्याचारियों के विरुद्ध संघर्ष करने का काम किया था, सिर्फ अमल में ही नहीं लाया, उसको कर दिखाया। इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और आशा करता हूँ कि बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में दीन दुखियों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए ऐसे आदमी बार बार जन्म ले जो अत्याचार मिट जाए। जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं बिहार की? मैं गया की हूँ। धन्यवाद। हाँ, वो गया में भी आंदोलन किए थे 1966 में। जी, 1966 में वो गया में, वो उपेंद्रनाथ वर्मा, जगदेव प्रसाद, ये लोग आंदोलन किए थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से। जी, और गया, बोध गया के मंथ के जमीन पर उन लोगों ने आंदोलन किया था। भूमिहीन लोगों को उन्होंने जमीन दिलवाने का काम किया था। धन्यवाद, आपको ये बात सुनकर के खुशी की आप बिहार की वासी हैं और गया की रहने वाली हैं, और जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में आप जानना चाहती हैं, आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जी, और सवाल है कि बाबूजी को लेकर आपकी स्मृति में कोई बचपन का किस्सा है जो हमारे दर्शकों से आप साझा करना चाहेंगे? हाँ, वो एक बात मैं सुनाना चाहता हूँ कि एज ए पिता उन्होंने हमको कभी मारा नहीं, पीटा नहीं, लेकिन गुस्सा किया कि तुम पढ़ो, जिस गांव में जन्म लिए हो उसमें तुम अपनी पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने के बाद जब नौकरी करोगे
तो मेरे माता पिताजी को भी देखना और तुम अपनी माँ को भी देखना, और पढ़ाई के प्रति पूरे गांव में वो ये मिडिल स्कूल खुलवाए, हाई स्कूल खुलवाए, और जब वो मर गए तो मैंने उनके नाम पर, दादाजी के नाम पर और माँ के नाम पर मैंने इंटरमीडिएट स्कूल खुलवाया, कॉलेज खुलवाया और डिग्री महाविद्यालय खुलवाने का काम किया गांव में जी। शिक्षा के पूर्ति के लिए वो शिक्षित करना चाहते थे, लोग अपने भी शिक्षित होना चाहते थे और गांव वालों को भी शिक्षित करना चाहते थे। शिक्षा के प्रति उनको बहुत मोह था कि शिक्षित बने लोग, शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें, ये उनका मुख्य मुद्दा था जी। राजनीति में आपकी एंट्री नहीं चाहते थे क्या, ऐसा सुनने में आया है, आप एक बार इसको विस्तार से जरा बताइए। हाँ 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 बताते हैं जी। मैं वो हमको राजनीति में नहीं लाना चाहते थे, वो कहते थे जैसा मैंने आपको बताया, पढ़ो, नौकरी करो, मेरे माता पिता को भी देखना और तुम अपनी माँ को भी देखना। लेकिन मैं उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं राजनीति में 1966 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने मुझको सदस्यता ग्रहण कराई जी। उसके बाद मैं अभी तक 88-89 के नहीं पंचा 94 तक मैं 12 बार जेल जा चुका हूँ। दरभंगा जेल में रहा, हजारीबाग जेल में रहा 74 के आंदोलन में, और आंदोलन करते करते मैं उनके सेवा में लगा रहा, उनकी सेवा में लगा रहा। लेकिन वो भीतर से नाराज होते थे कि पढ़ नहीं पाया, पढ़ाई नहीं किया, नौकरी नहीं किया, न हमारे माँ बाप को देखा, न अपनी माँ को देखा, ये राजनीति में आ गया। तो गुस्सा होते थे, भीतर से गुस्सा होते थे, लेकिन मैं उनके सेवा में लगा रहा। और वो सेवा का फल है कि जब वो उनका देहांत हो गया, देहांत के एक महीने 16 रोज के बाद लोक दल के अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और देवीलाल जी ने और बहुगुणा जी ने ये मुझको संवाद भिजवाया कि रामनाथ MLC की जगह खाली है, क्या उसमें तुम जाना पसंद करोगे। तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन पार्टी की कृपा हुई और उन्होंने मुझको टिकट दिया और मैं 88 में ही 6 मई 1988 को मैं विधान परिषद में चुना गया और मैं MLC बना। पार्टी की देन है कि मुझको इन लोगों ने, नेताओं ने मुझको इस पद पर लाने का काम किया जी। मैंने कहीं पढ़ा है कि जब कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने तो आपको पत्र लिखकर कुछ हिदायत दी, जब मुख्यमंत्री पद संभाला तो आपको पत्र लिखकर बोले कि इन सब चीजों से तुम्हें प्रभावित नहीं होना है, ये पूरा बात क्या है, एक बार बताइए। ये सही बात है, मैं स्वीकार करता हूँ कि उन्होंने जब जब मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री, तो वो पत्र लिखते थे मुझको भी, मेरे छोटे भाई को भी, कि तुमको लोग मेरे पद के लेकर के प्रभावित करने का काम करेंगे, तुमको लोभ देने का काम करेंगे, तुमको सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित करने का काम करेंगे, लेकिन इन सब चीजों से बचना, अगर ये बचोगे तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मेरी बदनामी नहीं होगी। इसलिए मैं उनके रहते हुए और अभी तक जनता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, मेरे ऊपर कोई, मेरे विरोधी भी अभी तक कोई आरोप नहीं लगा पाए कि ये काम किया है। और भगवान ने चाहा तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन सब चीजों से
अलग रहूं, उनके प्रभाव में नहीं आ पाऊं। जी कर्पूरी ठाकुर जी को गए 36 साल हो गए, कितने सरकारें आई गई, पर बाबू जी को भारत रत्न देने की घोषणा किसी भी सरकार के काल में नहीं हुई। बीजेपी सरकार ने बाबू जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है, जब नाम की घोषणा हुई तब से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है और बीजेपी क्रेडिट ले रही है और कांग्रेस पर साथ ही आरोप भी लगा रही है कि इतने साल से कांग्रेस को कभी सूद नहीं आई। आपकी पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं कि कई हमारी कई वर्षों से मांग थी, आरजेडी के नेता भी बोल रहे हैं कि हम भी यही मांग कर रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि बाबूजी का नाम आने के बाद क्रेडिट लेने की होड़ जो है वो बिहार में मच गई है? आप इसको कैसे देखते हैं? आप तो पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ, आपको अनुभव है और बिहार की हैं आप देखती होंगी कि जब भी कुछ होना पड़ता है, कुछ भी होता है, तो भगवान की कृपा रहती है और समय पर ही होता है। हाँ, हमने 36 वर्षों तक हमारी पार्टी ने ये मांग करती रही कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए, मांग करती रही। संघर्ष भी हुए, आंदोलन भी हुए, जो होना रहता है वो समय पर ही होता है। इस समय उनके 100वें वर्ष जन्मदिन पर, शताब्दी वर्ष पर भारत सरकार ने यह कदम उठाया तो हम इसकी सराहना करते हैं, हम भारत सरकार को बधाई देना चाहते हैं और बिहार की तरफ से कृतज्ञता भी करना चाहते हैं कि उन्होंने इस समय 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। जी बिहार में पिछले कई दिनों से सियासी उठापटक चल रहा है, तो अंदर खाने से और कई आप जानती हैं कि अब चुनाव होने वाले हैं तो इस समय किए हैं ये हैं वो, लेकिन हम इसको चुनाव से नहीं जोड़ रहे हैं। ये समय की मांग थी, 36 वर्षों से जो संघर्ष किया गया था, संघर्ष की मांग थी, उनके मन में जो रहा तो रहे, लेकिन ये समय पर हो गया, 100वें वर्ष के वर्ष पर हो गया। हम इसको कुछ राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहते हैं, इसको शोषित पीड़ित लंचित की तरफ से, वंचितों की तरफ से जो अरमान था उनका, उस अरमान को भारत सरकार ने पूरा किया है, हम इस रूप में देखना देख रहे हैं। रामनाथ जी, हम राजनीति से नहीं बच सकते ना, इस तरह से अगर आ रहा है, पहले हुआ राम मंदिर का कॉन्सेप्ट, फिर राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी की ओर ध्यान नहीं है केंद्र सरकार का, और फिर अचानक से एक चेहरा, इतने सालों से मांग थी और अचानक से कर्पूरी ठाकुर जी का की जयंती समारोह से एक दिन पहले उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई, तो इस तरह से हम इसको इसको अलग करके नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम आपका एक बार टेक जानना चाहेंगे इस पे। नहीं, हम ओशो के एक उदाहरण देते हैं। ओशो के बारे में आप जानते होंगे। ओशो जी कहते थे जो काम होना रहता है वो समय पर होता है। बिल्कुल। अब आपके मन में जो हो, राजनीतिक विचारधारा जो हो, हम उस विचारधारा पर न जाकर के हमारी जो मांग थी, हमारी जो इच्छा थी, हमारा जो अभिलाषा था, उस अभिलाषा को किसी ने पूरा कर दिया, हम उस रूप में देखते हैं, हम राजनीतिक रूप में नहीं देखते हैं कि उनके मन में जो रहा। मैं, हमारी जो मांग थी, हमको भूख लगी है, अगर हमको भूख लगी है तो हमको अगर घर में खाना नहीं मिला, अगर होटल में मिल गया या किसी मित्र के यहाँ मिल गया, किसी संबंधी के मिल गया, तो हमारी तो भूख मिट गई। अब हम इसको कैसे लें कि हमारे घर में नहीं मिला तो हम दूसरे के घर में कैसे जाएं, क्या करें? इसलिए हम अपनी भूख मिटाएं। हमारी जो मांग थी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिले, जिसके लिए हम 36 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष के बदौलत
हमको मांग मिल गई थी, इसको राजनीतिक रूप से हम नहीं ले पाए, जी हम नहीं ले पाए पिछले 24 घंटे में। लेकिन बिहार की सियासत थोड़ी तो बदली है, जाति जनगणना पर भारी पड़ रहा है भारत रत्न का दाव। वो ठीक है, वो ठीक है, वो कहना आपका ठीक है। हमारी मांग थी, हमारी अभी भी मांग है कि भारत सरकार पूरे भारत में जातीय जनगणना करे। इस जाति को क्या जरूरत है वो उसकी पूर्ति करे। हम तो मांग कर रहे हैं ना, अगर हमारी मांग को पूरा करना है तो वो तो बधाई के पात्र है। हमारी मांग को पूरा कर रहे हैं, हमारी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। तो हम इस रूप में लेते, इसको नीतीश कुमार के लिए बीजेपी की तरफ से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट की तरह कहा जा सकता है? नहीं, हम इस चीज को नहीं मानते हैं। वो नीतीश कुमार जी बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जो उनके उनसे जो भी बात जो भी करना चाहेंगे उनसे बात, क्योंकि उनका जो निर्णय होगा वो हम लोगों को सिरधार होगा। नीतीश कुमार जी, हमने कर्पूरी ठाकुर जी के कितने किस्से पढ़े होंगे, उनके मैट्रिक पास होने, उधार कोट लेकर ऑस्ट्रिया जाने, चंद्रशेखर द्वारा फिर कुर्ता के लिए पैसे इकट्ठा करने। तो उनकी ईमानदारी को लेकर शायद ही कोई सवाल खड़े कर सकता है। तो आपको लगता है कि नेताओं में वैसी ही ईमानदारी अब बची है जैसे कर्पूरी ठाकुर जी में देखने को मिलती थी? हाँ, ये बात आप तीन प्रश्न उठाई है, जानकारी तीनों सही, कोई गलत नहीं है, तीनों सही है। चंद्रशेखर जी जयप्रकाश राव के चरखा समिति में एक ही फटे हुए कुर्ते को देखा चंद्रशेखर जी ने, तो जो पैसे चंदा करके दिए थे उसको मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया, ये भी इस बात सही है। ऑस्ट्रेलिया गए थे तो डॉक्टर सिमरंदन प्रसाद अग्रवाल से कोर्ट मांग करके ले गए थे, वो पुराना कोर्ट था तो लेकर गए थे। इसको टिटो ने देखा, राष्ट्रपति ने, तो उसको उन्होंने जो गिफ्ट दिया तो सिर्फ इन्हीं को नहीं दिया, इनके प्रतिनिधिमंडल में जितने लोग गए थे सबको टिटो ने कोट दिया। ये सही बात है, हाँ सही बात है। और ईमानदारी और ईमानदारी और सादगी में इनका कोई जोड़ नहीं, कोई जोर नहीं था। हाँ, वो अगर आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 1952 से मरते दिन तक वो विधायक रहे, लेकिन कोई चीज की माने वो आकर्षित नहीं होते थे, जो है उसी में गांधी के बताए हुए रास्ते पर वो चलने का काम करते, कोई आकर्षित नहीं। इनको तो सुख सुविधा मिल सकती थी, दो दो बार मुख्यमंत्री हुए, एक बार डिप्टी सीएम हुए और 1952 से लगातार विधायक रहे, सुख सुविधा उनको मिल सकती थी। और आपको बताऊं कि 87 लाख रुपया 52 से लेकर के इन्होंने एक नए पैसे का टीए नहीं, मेडिकल जो बीमार पड़ते थे और चेकअप कराते थे उसका कोई पैसा नहीं लिया इन्होंने। मरते के दिन तक 87 लाख रुपया छोड़ करके वो विधानसभा में चले गए, तो क्लेम नहीं कर पाए कि हमको इतने पैसे चाहिए, जो टीए का बाकी था, जो मेडिकल का बाकी था या अन्य कमिटियों का जो इनका था, नहीं ले पाए 87 लाख रुपया। स्वतंत्रता सेनानी के आंदोलन में भाग लिए, उसका पेंशन तक नहीं लिया, ताम्रपत्र तक नहीं लिया, लड़ाई लड़े थे इसी पैसे के लिए, पैसे के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम आजादी के लिए लड़ रहे थे हिंदुस्तान को, नहीं लिया। तो ये सब जननायक कर्पूरी ठाकुर के 87 लाख रुपया 1988 में कम नहीं होता, कम नहीं होता, वो हम लोग ले लेते, उनको बचता हम लोग ले लेते तो हम लोग को सुख और सुविधा मिलते, हम लोगों ने नहीं लिया जी। और ना जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लिया, तो ये तो सादगी और ईमानदारी का है रूप जी। रामनाथ जी, हम आपसे आखिरी सवाल यही पूछना चाहेंगे कि आप उनको कैसे याद रखते हैं, एक नेता के रूप में, एक पिता के रूप में? नहीं, मैं उनको तीन रूपों में देखता हूँ जी।
एक रूप में देखता हूं, वर्मा के रूप में, जन्म देता है जिसका लालन पोषण करता है के रूप में देखता हूं। दूसरा रूप में मैं देखता हूं ये शंकर के रूप में, जो दयामान होता है, दूसरों के प्रति दया रखता है, तकलीफ को सहने का काम करता है, आता है उस को दूर भगाने का काम करता है, उस शंकर के रूप में देखता हूं। और तीसरे रूप में देखता हूं कृष्ण के रूप में, जो पांडव के लिए कहते दुर्योधन के पास कहते कि लड़ाई नहीं होगी, महाभारत नहीं होगा, आदमी की हत्याएं नहीं होगी, हथियार बर्बाद नहीं होंगे, आप पैसे खर्च नहीं होंगे, अगर पांडवों को तुम 5 गांव दे दोगे तब। तो दुर्योधन ने क्या कहा था? दुर्योधन कहा था कृष्ण तुमने क्या कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो? मैं शुचि अग्रे न दातव्य बिना युद्ध न केशवा। तुम पांडवों को 5 गांव देने की बात करते हो, हम सूर्य की नोक के बराबर उसे जगह नहीं दूंगा। तो कृष्ण ने क्या कहा था? कृष्ण ने कहा था कि बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हारे यहां मैं आया था कि तुम पांडवों को 5 गांव दो, लेकिन अब जा रहा हूं मैं युद्ध का निमंत्रण देके। और कहा था कि लो अब मैं जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं, अब रण होगा या जीवन का मरण होगा। मैं इस कृष्ण के रूप में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मैं देखता हूं। 3 रूपों में मैंने देखा है, पुत्र के रूप में मैं भी देखा है, पुत्र हैं इस रूप में देखा है, वो हमारे पिता हैं, पिता के रूप में मैंने देखा है, और कभी उन्होंने मुझको मारा नहीं या थप्पड़ से, सिर्फ गुस्सा से कहा अच्छे मार्गों पर चलो, अच्छे पढ़ाई करो और नौकरी करो जी। परिवार को चलाने के लिए। और कृष्ण को रूप में कहा जीवन बनो, घबराओ नहीं, संघर्ष करो, उसी बता उसको लड़कारो और उस लड़काने पर तुमको सफलता मिलेगी जी। हमने उनसे सीखने का काम किया है जी। रामनाथ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम किस्से कहानियां हमसे साझा किए, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद, आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट मेरे जैसे छोटे आदमी को इंटरव्यू लिया, इतना समय आप मेरे जैसे आदमी को दिया, इसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने गांव की तरफ से, बुद्धिजीवियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद बिहार में खुशी की लहर तो दौड़ी है, साथ ही राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा और काफ़ी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। ये हमारे साथ थे रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के पुत्र। तो आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।